हेलो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आय के मापन से हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियां और राष्ट्रीय आय की अलग अलग शब्दावलियां। उसी में एक टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वे में, ठीक है ना। क्वेश्चन टॉपिक क्या होता है, इस पर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य यानी कि GNDI, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य होता क्या है, देखिए एक्चुअली में एक देश के द्वारा वास्तविक रूप से कितना पैसा खर्च किया जाता है, वास्तविक आय कितनी होती है जो एक देश अपने देश के विकास के लिए खर्च कर सकती है, उसे बोलते हैं प्रयोज्य। प्रयोज्य का मतलब होता है व्ययगत, मतलब जो व्यय करने वाली होती है, मतलब एक राष्ट्र की वास्तविक व्यय करने वाली आय कितनी होती है। वैसे राष्ट्रीय की बात हम करते हैं उसमें केवल साधन आयों का योग किया जाता है। तो केवल क्या एक क्वेश्चन ये है कि क्या एक राष्ट्र की आय केवल साधन आय से ही प्राप्त होती है? नहीं, इसके अलावा देश को दूसरे कुछ सोर्सों से भी इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं हस्तांतरण आय। जैसे डोनेशन वगैरह होता है जो एक तरफा होता है, ठीक है ना। डोनेशन हो गया, ग्रांट्स हो गए, ठीक है ना, गिफ्ट्स वगैरह हो गए जो अक्सर एक देश को दूसरे देश से प्राप्त होता रहता है, तो वो चीज भी तो देश अपने विकास के लिए खर्च करेगी। तो यहां पर हम बात ये करेंगे कि राष्ट्रीय आय गणना करने हमने सीख लिया, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के साथ साथ सकल राष्ट्रीय प्रयोग जाए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की गणना हम कैसे करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य की गणना करनी है और हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है और डेटा में क्या गिवन है, दैट इज वेतन एवं मजदूरी दे रखा है 700 करोड़ रुपए, लगान विदेशों से प्राप्त चालू अंतरण, ये तो चालू अंतरण है ना बेटा, इसी को हस्तांतरण आय बोलते हैं, यही हस्तांतरण है, मतलब ये एक तरफा मिलता है, मिला होगा केवल वहां से करेंटली। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं NIT बोला जाता है, अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी होता है, लाभ विदेशों को शुद्ध साधन आय NFIA, लेकिन ये को है, को है का मतलब होता है विदेशों को गया है, विदेशों को गया है, इसका मतलब ये माइनस आइटम है, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, राइट, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। स्थिर पूंजी का उपभोग है 120, नियोक्ताओं का सामाजिक सुरक्षा अंशदान दे रखा है 60, श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान दे रखा है 40 और ब्याज हो गया, ठीक है ना। ध्यान में रखना यह है कि हमें राष्ट्र सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य निकालना है, देखिए हमें राष्ट्रीय आय तो चाहिए, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि आय विधि से राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर लेंगे। कौन सी विधि से, तो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए आय विधि का प्रयोग करेंगे, जितने भी आय है प्लस उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। चलिए करते हैं, हम निकालेंगे यहां पर राष्ट्रीय आय दैट इज NNPFC का कैलकुलेशन कर लेंगे पहले, ठीक है ना, NNPFC का कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम यहां पर आएंगे सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य विद फार्मूला, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। जब हम NNPFC कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी आय है यहां पर सबको जोड़ दीजिए, क्या कौन कौन सा है, यह है वेतन व मजदूरी, फिर क्या दे रखा है हमारे पास लगान, फिर और क्या दे रखा है अधिकार शुल्क, ठीक है ना, अधिकार शुल्क आपको पता है ना क्या होता है, अधिकार शुल्क का मतलब होता है रॉयल्टी भी बोलते हैं इसको, मतलब आप अपने जमीन का प्रयोग करने के लिए इसको दे रहे हैं, या आपने अपनी किताब लिखी, किताब किसी को छापने के लिए बेचने के लिए दे रहे, तो अधिकार शुल्क प्राप्त होता है, कुछ इनकम प्राप्त होती है वो इसमें आ जाता है। इसके अलावा और क्या दे रखा है, लाभ आ गया, लाभ के अलावा क्या दे रखा है यहां पर नियोक्ता का, देखिए दो प्रकार दे रखा है, एक सामाजिक सुरक्षा अंशदान, एक दे रखा है नियोक्ता का, नियोक्ता मतलब मालिक, दूसरा श्रमिकों, श्रमिकों वाला आता नहीं इसमें, केवल नियोक्ताओं का वाला शामिल होगा इसमें, दैट इज प्लस नियोक्ता का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, ठीक है ना, और लास्ट में क्या दे रखा है ब्याज। ये तो हमारे सारे क्या हो गए, आय जोड़ दिया हमने। अब इस आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन की, विदेशों को शुद्ध साधन आय जोड़ते हैं, लेकिन विदेशों को दे रखा है तो जहां जोड़ना होता है वहां पर जोड़ना लगे, हम क्या लगेंगे प्लस, क्योंकि ये गया ज्यादा है, अगर से प्राप्त होता तो प्लस कर दे, को गया है इसलिए माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इन सबकी वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। अब देखेंगे वेतन कितना है हमारे पास, वेतन है 700, ठीक है बेटा, वेतन है 700, लगान कितना दे रखा है, लगान है 100, ये दे रखा है 100 प्लस, अधिकार शुल्क कितना दे रखा है, अधिकार शुल्क है 50, लाभ दे रखा है 300, ठीक है, ये हो गया 50 प्लस 300। अब नियोक्ताओं का सामाजिक सुरक्षा अंशदान कितना है 60,
और लास्ट में दे रखा है हमारे पास ब्याज, ब्याज कितना है 400, इसमें से विदेशों को गया अंशदान साधन आय वो माइनस कर देंगे माइनस, और ये हो गया माइनस का 20। ठीक है, अब मैंने कहा था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट में। अब सबकी एंट्री कर दिया, अब क्या करना है हमें केवल इसको जोड़ देना है। क्या करना है अब जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 700, एक 800, 8 3 11, 1150 और ये हो गया 1210, 12 और एक 16, 1610, 1610 प्लस 20 तो ये हो गया हमारे पास 1630 करोड़। ठीक है ना, ये क्या हो गया राष्ट्रीय आय। बट बेटा राष्ट्रीय आय नहीं, हमें उससे आगे बढ़ना है, उसके आगे की कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब अब हमें निकालेंगे जी एन डी आई ग्रॉस नेशनल डिस्पोजिबल इनकम, यानी कि सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, दैट इज राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह बाजार मूल्य क्या होता है, ठीक है ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाएगा। सकल है तो इसमें डेप्रिसिएशन का मूल जोड़ दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या मतलब, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। और इसके अलावा विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण, इसको भी हम जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त चालू अंतरण, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला बन गया, अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को रख दीजिए। हमारे पास कितना है, राष्ट्रीय आय हो गया 1630, विदेशों से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये दे रखा है 70, ठीक है ना, और स्थिर पूंजी का उपभोग यानी कि डेप्रिसिएशन दे रखा है 120, और विदेशों से चालू अंतरण कितना दे रखा है 10। इन सब की वैल्यू को जोड़िए, देखिए कितना हो गया 1630 और 70, ये हो गया 1700, 1820 और ये हो गया 1820 और 10 1830, ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि इसमें विदेशों से प्राप्त चालू अंतरण जुड़ा हुआ। एक आध बुक में मैंने देखा है कि ये माइनस किया, लेकिन गलत है, क्योंकि हमें निकालना है प्रयोज्य। प्रयोज्य में हस्तांतरण आय को जोड़ना पड़ता है, घटाना नहीं पड़ता है। अगर घटाया वो कहीं आपको मिल गया तो वो गलत है, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर ये होगा कि राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आयों को, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, अगर सकल आय पूछा, सकल पूछा गया है तो डेप्रिसिएशन को जोड़ देना है। शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य हुआ है तो डेप्रिसिएशन की जोड़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। समझ में आ गया। तो और ये तीनों मेथड, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नहीं दे, अगर दे रखा है तो केवल इतना नीचे और पोर्शन करेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट होता है, समझ में कोई दिक्कत है, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बेझिझक मुझसे जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।